गणपति बप्पा का आगमन हम सभी के घरों में हो चुका है और हम सब उन्हीं की सेवा में व्यस्त हैं। आज मैं बप्पा के लिए उन्हीं की फेवरेट नैवेद्य रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो कि है उकड़ीचे मोदक। ये स्टीम राइस फ्लावर मोदक होते हैं। ये मोदक बप्पा को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और इसीलिए आज मैं ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्टीम्ड राइस फ्लावर मोदक। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी और एक कटोरी दूध। आप एक ही साइज़ की कटोरी का इस्तेमाल करें। सभी इंग्रेडिएंट्स का नाप लेने के लिए अलग अलग साइज़ की कटोरियों का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी, मिक्स कर देंगे और उबाल आने देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब जिस कटोरी से हमने दूध और पानी लिया था, उसी कटोरी से हम दो कटोरी चावल का आटा लेंगे और इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने एक ट्रेडिशनल मोदक रेसिपी शेयर की थी, जो कि फ्राइड मोदक थे। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे ढक कर हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसकी अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसे पूरन कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे दो छोटे चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक छोटा चम्मच पॉपी शीट्स डाल देंगे, खसखस। इन्हें थोड़ा तड़कने देंगे। दो दिन पहले मैंने काजू कतली मोदक की रेसिपी भी शेयर की है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो भी देख सकते हैं और उन्हें भी आप बना सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप गुड़ डाल देंगे, जैगरी, जिसे मैंने हल्का हल्का क्रश किया हुआ है। थोड़ा मिक्स करेंगे। बस अब इसमें हम एक कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट ले लेंगे। हमने ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल नहीं किया है, इस रेसिपी में ताजे नारियल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमको इसको कुक नहीं करना है, बहुत ड्राई नहीं करना है, वरना ये ठंडा होके काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो हमको बस हल्का ड्राई करना है इसको। अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इसमें बादाम और काजू पिस्ता है। मिक्स करेंगे। ये एकदम रेडी है, ना बहुत ड्राई है और ना बहुत गीला, ठंडा होके ये एकदम बढ़िया हो जाएगा। इसे हम उतार कर किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारा राइस फ्लावर डो भी रेडी है। ये गुनगुना है, पूरी तरह ठंडा नहीं है। अब इसे हम थोड़ा गूंद लेंगे इसी में। आप पानी के छींटे देते जाएं और इसे गूंदते जाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे अच्छे से गूंद लें, पानी के छींटे मारते जाएं बीच बीच में। अब इसे हम काउंटर पर ले लेंगे और अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा आप हाथों में चिकनाई भी ले सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने डो को एक प्लेट में रख लिया है, उसे कपड़े से ढक लिया है। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का छोटा सा साँचा लिया हुआ है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मोल्ड का इस्तेमाल करके इन्हें बनाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो इस तरह आप डो लें और मोल्ड में इस तरह से आप भरें। पैक करें और अब आप बैक साइड से इसमें एक होल बनाएं फिंगर की हेल्प से। थोड़ा सा प्रेस भी करें ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। हमको थोड़ा पतला ही इसे बनाना है, इसकी शेल को बनाना है। यदि आप मोटा रखेंगे तो आपको खाने में सिर्फ राइस ही राइस का फ्लेवर आएगा, स्टफिंग का फ्लेवर बहुत कम आएगा। तो हमको अंदर अच्छी खासी कैविटी बनानी है। अब इसमें हम तैयार की हुई स्टफिंग डाल देंगे और थोड़ा सा डो लेके इसे पीछे से भी सील कर देंगे अच्छे से दबा दबा कर। अब आहिस्ता से मोल्ड को हम खोलेंगे। देखिए कितना बढ़िया मोदक बन गया है, आराम से इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी मोदक तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सभी मोदक रेडी हैं, अब इन्हें हम स्टीम करेंगे।
स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने पानी उबलने रख दिया है। अब हम छन्नी लेंगे, इसको अच्छे से हम घी से ग्रीस कर लेंगे और अब पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो स्टीमर हमारा रेडी है, अब इसमें हम सभी मोदकों को रख देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें हम स्टीम करेंगे। तो लीजिए हमारे मोदक रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये प्लेट से निकल रहे हैं, क्योंकि हमने प्लेट पर पहले से ही घी लगा दिया था। आप यदि प्लेट पर घी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप हल्दी के पत्ते पर या केले के पत्ते पर भी इन्हें स्टीम कर सकते हैं, तब आपको उन्हें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिशनली इन मोदकों पर घी डाला जाता है। आप यदि घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप केसर दूध डाल सकते हैं। गर्म दूध में थोड़े से केसर के धागे डालिए और फिर उन्हें इस तरह मोदक पर डालिए। देखिए कितने बढ़िया मोदक बने हैं। अब आपको एक मोदक मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बनकर रेडी हुए हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का स्वागत आप इन मोदकों से कीजिएगा। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।